तो हम सभी देखते हैं कि आकागिनो, आरिमा और आत्सुमे के ऊपर काफी भारी पड़ता है और तभी वो उन दोनों को खत्म करने के लिए अपने काफी बड़ा अटैक करता है। लेकिन हम सभी देखते हैं कि उस हमले के बीच में अकुमो आ जाता है और अकुमो कहता है, कमजोरों में आखिर अपना क्या वार करते हो, अगर दम है तो मेरा सामना करके दिखाओ आकागिनो। और हम सभी देखते हैं कि अकुमो को देखकर आरिमो और आत्सुमो काफी हैरान होते हैं, लेकिन आकागिनो काफी जोरों से हंसने लगता है और वो कहता है, क्या बात है, मुझे अभी तक यकीन नहीं होता कि मेरी मुलाकात इस मल्टीवर्स के अंदर फादर ऑफ सैयन से हुई। ये देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हुआ अकुमो। और हम सभी देखते हैं कि अकुमो कुछ भी नहीं कहता और वो शांत वहीं पर खड़ा होता है। और तभी आकागिनो कहता है, मुझे इस बात के बारे में तो मालूम था कि कोई ना कोई इस सैयन को बचाने यहां पर जरूर आएगा, लेकिन तुम अकुमो, मुझे तुम्हारी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। चलो अब ये तो साबित हो ही गया कि इन सब में फादर ऑफ सैयन भी शामिल है, जिसके ऊपर अकुमो कहता है, आखिर कब तक तुम अपनी बकवास चालू रखोगे, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मेरे रहते हुए तुम किसी भी सैयन को खत्म नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि मैं इनके साथ बिल्कुल भी नहीं हूं, समझे। जो सुनकर आकागिनो कहता है, क्या आखिर भला तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अकुमो। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है कि मैं तुम्हें सब कुछ समझाते बैठूं, समझे। अगर तुम्हें लड़ना है तो आ जाओ, नहीं तो चुपचाप इस मल्टीवर्स से बाहर चले जाओ, नहीं तो तुम जानते हो कि आखिर मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं। हम देखते हैं कि ये कहने के बाद अकुमो अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी आकागिनो भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है, फादर ऑफ सैयन, चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम इतने सालों में कितने शक्तिशाली हुए हो, क्योंकि हम प्रेजेंट डायमेंशन में रहकर पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं। ये कहने के बाद आकागिनो अकुमो के ऊपर अपना एक हमला कर देता है। अकुमो उस हमले को रोकने की अपनी कोशिश करता है, लेकिन अकुमो काफी दूर जाकर गिर जाता है, जो देखकर आत्सुमो हैरानी के साथ कहता है, क्या अकुमो भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे, वाकई में क्या ये इतना शक्तिशाली हो चुका है। जो सभी देखकर आरिमा भी काफी हैरान होता है, लेकिन अकुमो तुरंत खड़ा हो जाता है और वो मनी मन कहता है, जैसा कि यामोशी ने कहा था, ये पहले से शक्तिशाली नजर आता है। और हम देखते हैं कि आकागिनो तभी अकुमो के ऊपर अपना दोबारा वार करता है, लेकिन अकुमो अपने एक हाथ से ही उसके वार को पकड़ लेता है। आकागिनो तभी अकुमो के ऊपर अपनी किक करने की कोशिश करता है, लेकिन अकुमो अपनी लात से उसे काफी दूर फेंक देता है। आकागिनो जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए कहता है, क्या बात है अकुमो, तुम्हारी ताकत आज भी पहले के ही जैसी है, और अब लगता है कि एक असली लड़ाई शुरू होगी। ये कहने के बाद आकागिनो अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी अकुमो कहता है, मैं तुमसे ये आखिरी बार बोल रहा हूं, यहां से चले जाओ अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकते
कि आखिर मैं तुम्हारी क्या हालत करूंगा। जिसके ऊपर आकागिनू कहता है, मैं यहां से चला जाऊंगा, लेकिन मुझे बताओ कि आखिरकार मेरे बड़े भाई जनो को तुमने कहां पर बंदी बना कर रखा है, क्योंकि मुझे उसे आजाद करवाना है। ये कहने के बाद आकागिनू अकुमो के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन अकुमो उसके हमले को रोकते हुए उसके ऊपर अपना एक जोरदार हिट करता है, जिससे आकागिनू कुछ कदम पीछे हटता है। लेकिन वो यहीं पर नहीं रुकता, वो अकुमो के ऊपर अपने कई सारे की ब्लास्ट और कई सारे वार करता है, जिससे हम सभी देखते हैं कि अकुमो काफी मुश्किलों से बचते हुए उसके सामने पहुंचता है। वो दोबारा अकुमो के ऊपर अपना एक पंच करता है, लेकिन अकुमो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, आखिर भला तुम जेनो को आजाद करने के लिए यहां पर कैसे आ सकते हो, जबकि तुम तीनों ही भाई जेनो और तुम्हारे पिता के खिलाफ तुमने ही बगावत शुरू करी थी, तुम आखिर कैसे बदल सकते हो। मैं इस बात में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। अकुमो ये कहने के बाद उसके ऊपर अपने एक जोरदार हिट करता है, जिससे आकागिनू नहीं बच पाता, वो काफी दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन तभी जैसे ही वहां से धुआं हटता है, आकागिनू वहां पर नहीं होता। आरिमा चिल्लाते हुए कहता है, लॉर्ड अकुमो आपके पीछे देखिए, और हम देखते हैं कि आकागिनू अकुमो के पीछे होता है। वो अकुमो के ऊपर अपनी एक जोरदार किक करता है, जिससे अकुमो नहीं बच पाता और वो काफी दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि अकुमो खड़ा होता है, उसके ऊपर एक चोट का नामो निशान तक नहीं होता, जिसके ऊपर तभी आकागिनू कहता है, हाँ मुझे मालूम है कि हमारे इस फैसले से तुम भी काफी हैरान होगे, जैसे कि हमारे पिता हुए थे। लेकिन आखिर हम क्या करें, अंत में जेनो भी हमारा भाई है, तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा हमने हमारे पिता से एक खास ताकत की डिमांड करी है, ताकि हम जेनो को छुड़ाएं और वो हमें वो पावर सौंप दे। ये कहने के बाद आकागिनू अकुमो के ऊपर दोबारा अपना हमला करता है, और अकुमो भी अपनी ताकत को बढ़ाते हुए उसके ऊपर अपना एक अटैक करता है। उन दोनों के हमले एक दूसरे से टकराते हैं, वहां पर एक धमाका होता है। वो दोनों लगातार अपने हमले एक दूसरे के ऊपर करते रहते हैं, जिसके बाद हम सभी गोकू और अकीरा को देखते हैं, और तभी गोकू अकीरा से कहता है, बताओ मुझे कि आखिर मेरे दोस्त वापस कैसे आ सकते हैं, तुमने अभी बताया कि हारुनो ने उन्हें नहीं मारा, लेकिन भला क्यों, उसने तो हमारी आंखों के सामने उनका नामो निशान मिटा दिया था। जिसके ऊपर अकीरा कहता है, हाँ ये सारी बातें सच हैं कि हारुनो ने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे सभी दोस्तों का नामो निशान मिटा दिया था, लेकिन ये बात भी सच है कि हारुनो किसी भी सैयन को मरने नहीं दे सकता, तो वो आखिरकार अपने ही हाथों से किसी सैयन का खात्मा भला कैसे कर सकता है। इसीलिए हारुनो ने अपने ही बनाए हुए एक डायमेंशन के अंदर उन सभी को भेज दिया है, और उन सभी के सामने उसने ऐसा बर्ताव किया कि उसने सभी सैयंस को खत्म कर दिया। लेकिन हारुनो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अंत में वो जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम सैयंस के लिए ही तो कर रहा है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो मुझे उस डायमेंशन के पास ले चलो, मैं वहां से उन सभी को कैसे भी करके आजाद करवा के रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जल्दी करो। ये कहने के बाद अकीरा गोकू को लेकर कहीं पर जाने लगता है, और तभी हम सभी जेनोसामा और साथ ही में यामोशी को देखते हैं, और वहां पर पिकलो भी मौजूद होता है, जो कि कहता है, जेनोसामा क्या आप अपने भाइयों के बारे में हमें बता सकते हो कि आखिरकार वो क्या है,
और वो लोग करना क्या चाहते हैं। जिसके पर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, पिकलो, इस बात के बारे में तो मैं भी नहीं जानता। बरसों पहले मेरे उन भाइयों ने मेरे ही पिता के खिलाफ एक साजिश करी थी। मेरे पिता के खास दोस्त हुआ करते थे, जिन्हें मेरे पिता का राइवल माना जाता था। मेरे तीनों ही भाई उनके साथ मिल चुके थे और उन्होंने मेरे पिता के एक निर्णय के खिलाफ जाने की कोशिश करी, जिसके बाद मेरे पिता यानी कि ओमनिवर्स के रूलर ने उन तीनों को ही ओमनिप्रेजेंट डायमेंशन में बंदी बनवा दिया था। लेकिन इन सभी लोगों ने सभी प्रेजेंट डायमेंशन को तबाह कर दिया है, जिस वजह से ओमनिप्रेजेंट डायमेंशन भी शायद तबाह हो गया और वो तीनों आजाद हो गए। जिसके पर यामोशी कहता है, फिलहाल के लिए किसी को भी नहीं लग रहा होगा कि ये कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं और अकुमो जानते हैं कि ज़ेनोसामा के वो तीनों भाई अपने पास किस तरह की पावर रखते हैं। ज़ेनोसामा का सबसे छोटा भाई यानी कि आकागिनो, वो अपने पास एक काफ़ी विशाल डिवाइन पावर रखता है। ज़ेनोसामा का दूसरा भाई यानी कि इशिगामी, वो भी ताकत के मामले में काफ़ी शक्तिशाली है। लेकिन इन सभी में ज़ेनोसामा का सबसे बड़ा भाई, जिसकी ताकत के बारे में कोई भी नहीं जानता, क्योंकि उसकी ताकत की कोई सीमा ही नहीं है। और तभी दूसरी ओर हम सभी अकुमो को देखते हैं, जो कि इस समय पर आकागिनो से लड़ाई कर रहा होता है। लेकिन आकागिनो धीरे धीरे कर अकुमो के ऊपर भी हावी सा होने लगता है। वो अकुमो के ऊपर अपने कई सारे वार करता है, जिससे अकुमो नहीं बच पाता। वो लगातार इधर से उधर गिरता रहता है। ये सभी देखकर आरिमा भी कहता है, नहीं लॉर्ड अकुमो, क्या आप भी इसके सामने कमजोर पड़ रहे हो? हम जानते हैं कि ये शक्तिशाली है, लेकिन इतना भी नहीं कि ये आपको हरा सके। जिसके ऊपर तभी आकागिनो कहता है, फादर ऑफ सैयन, ये तो बस शुरुआत है। आने वाले समय के अंदर वो दोनों भी यहाँ पर आने वाले हैं, और जब वो यहाँ पर आएंगे, तुम सैयंस का नामो निशान खत्म हो जाएगा और तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। और तुम सभी सैयन हम गॉड्स के पैरों में पड़कर भीख मांगोगे, अपनी जान की भीख। ये कहने के बाद आकागिनो अकुमो की तरफ अपने जोरदार हमला करता है, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी आकागिनो हंसते हुए कहता है, तुम पिद्दी सैयन हो, तुम हमेशा से ही हम गॉड्स के गुलाम रहे थे और हम गॉड्स के गुलाम रहोगे, समझे फादर ऑफ सैयन। जिस पे तभी आकागिनो को एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम काफी जल्दी खुश हो रहे हो? हम देखते हैं कि आकागिनो जैसे पीछे मुड़कर देखता है, उस पर एक काफी जोरदार पंच हिट होता है, जिससे वो काफी दूर जा गिरता है। और तभी हम सभी देखते हैं अकुमो को, जो कि कहता है, तुमने अभी तक मेरी ताकत नहीं देखी, समझे? बरसों पहले मैं तुम सभी गॉड्स के पीछे पड़ा हुआ था, तुम्हारा नामो निशान खत्म करने के लिए। मेरे अंदर तुम गॉड्स को लेकर एक नफरत छुपी पड़ी थी, उस नफरत को दोबारा मत जगाओ, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा और इस ब्रह्मांड के सभी गॉड्स का क्या हश्र करूंगा। अकुमो के इस रूप को देखकर
आका गिनू कहता है, क्या बात है फादर ऑफ सैयन, तुम्हारी ये ताकत मुझे पसंद आई, तो चलो। बरसों से मैंने किसी सैयन से नहीं लड़ाई करी और समय आ चुका है असली लड़ाई का।